हेलो स्टूडेंट्स, तो रेट मेजर की एक्सरसाइज हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए बच्चों, अब टॉपिक के अंदर आते हैं। देखिए चीज़ क्या है, जो आपका स्लोप है, क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए समझने की बात क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल है क्या। देखिए बच्चों, लेट अस सपोज दैट ऐसा आपके पास कोई कर्व, अलग अलग शेप के कर्व होते हैं, ये हमने कोई भी एक पर्टिकुलर कर्व, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस कर्व को टच करते हुए निकलेगा, यानी कि छूते हुए निकलेगा, स्पर्श करके निकलेगा, टच करके निकलेगा, वो इसका टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? टेंजेंट। क्या कहलाता है? टेंजेंट। और बच्चों टेंजेंट और कर्व का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर ये इसे टच करता है, उस पॉइंट के ऊपर जो लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर का काम करती है वो नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल। तो लाइंस के नॉर्मल और वो स्लोप के बारे में हमने क्लास 11 के अंदर हमने लाइंस के स्लोप के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप्स की जो प्रोडक्ट है वो -1 होगी, यानी कि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते थे। तो इसलिए यहां पर आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, वो -dx/dy आएगा। क्या आएगा बच्चों? -dx/dy। आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों, क्या है एक्सरसाइज, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन नॉर्मल और टेंजेंट्स के दाएं बाएं घूमेंगे। इन्हीं का स्लोप निकालना होगा, इन्हीं की इक्वेशन निकालनी होगी, पूछेगा कब क्या वैल्यू है, तो वो सभी चीजें हम निकाल कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर अगर आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 चला जाता है, यानी कि dy/dx 0 चला जाएगा। और अगर नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर है, तो -dx/dy 0 के इक्वल चला जाएगा। ठीक है। अब ये कि सर पैरेलल होगा, ये पैरेलल है तो ये 0 जाएगा, ये पैरेलल है तो ये 0 जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब एक पैरेलल होगा तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। सीधी सी बात है, अगर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दूसरा वाई के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह की चीजें, बस मेन चीज ये है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में 0, वो परपेंडिकुलर में 0 होता है, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर में 0 होता है। पैरेलल में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल में 0 होगा और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में 0 होगा। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग कर्व। कि नीचे जो कर्व दे रखे हैं उनके स्लोप्स निकालिए नॉर्मल और टेंजेंट के, इफ वाई इक्वल टू, क्या है बच्चों, वाई इक्वल टू 3x² - 4x एट एक्स इक्वल टू 2। कि एक्स इक्वल टू 2 जब वैल्यू है तो इस कर्व के जो टेंजेंट्स और नॉर्मल होंगे उनके स्लोप्स निकालिए। तो स्लोप निकालते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि dy/dx तो डिफरेंशिएशन से ही निकलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपका जो dy/dx है वो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x, और -4x का क्या हो जाएगा, -4। किस पे निकालना है बेटा? एट एक्स इक्वल, तो dy/dx एट x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 2 - 4। बच्चों क्या हो गया, 6 × 2 = 12 - 4 = क्या आ गया 8। क्या जाएगा बच्चों?
एट। ये तो हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस डी एक्स बाई डी वाई, किस पर? एट x इक्वल टू टू। तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई यानी कि ये पलटेगा, पलट गया तो 1 बाई एट, और माइनस भी आगे लगेगा तो माइनस 1 बाई एट। इस प्रकार से जो है बच्चों आप अपने नॉर्मल और टेंजेंट्स के स्लोप निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? स्लोप। और देखिए एक दो क्वेश्चन। देखिए इफ एक्स इक्वल टू, अलग अलग दे दिए पैरामेट्रिक फॉर्म में, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, तो बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा। आपके पास हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, पावर आ गया कि मल्टीप्लाई हुई 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का क्या था बच्चों? माइनस ए साइन थीटा। दूसरा है आपके पास y, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका जो डी वाई बाई डी थीटा है वो क्या जाएगा? थ्री आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, थ्री ए साइन स्केयर थीटा, और साइन का हुआ कोस थीटा। आपको बच्चों निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई, तो वो क्या आ गया? डी वाई बाई डी थीटा क्या ये रहा? थ्री ए साइन स्केयर थीटा कोस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या था? माइनस थ्री ए कोस स्केयर थीटा साइन थीटा। तो बच्चों थ्री ए से थ्री ए कैंसिल, साइन की पावर से साइन कैंसिल, कोस की पावर से कोस कैंसिल, बच क्या गया? टेन थीटा। बच्चों निकालना किस पर है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल किस पे? एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का सिंबल भी था तो ये माइनस रहेगा, क्या हो जाएगा? माइनस टेन पाई बाई फोर इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस का वन। और डी वाई बाई डी एक्स, ओ सॉरी माइनस डी एक्स बाई, क्योंकि आपको नॉर्मल भी तो निकालना है ना, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई वहन थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर क्या हो जाएगा? वन। पलटेगा तो वही माइनस वन, और उसका सिंबल चेंज होना है तो इट इज वन। ठीक है बच्चों, देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या है बच्चों? आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चों? पॉइंट में यहां लिख देता हूं ताकि थोड़े हाईलाइटेड रहे, इसलिए दूसरे कलर से लिख रहा हूं, टू जीरो एंड 30 आर राइट एंगल्स। कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स होंगे वो आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल्स में होंगे। तो हम स्लोप पे काम कर रहे हैं, और स्लोप में हमें पता है कि दो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके स्लोप्स की वो जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए बच्चों? माइनस वन के इक्वल। किसके इक्वल आ जाए? माइनस वन के इक्वल। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे दोनों पॉइंट्स के ऊपर और फिर प्रोडक्ट चेक करेंगे, अगर वो माइनस वन के इक्वल आ गई तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों सोल्व करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बच्चों पावर आगे आ जाएगी, देखिए क्या हो जाएगा? टू एक्स।
माइनस फाइव एक्स का क्या हुआ, फाइव और सिक्स का हो गया जीरो। कौन कौन से पॉइंट पे निकालना है बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स एट 2 0, तो 2 0 पे क्या हुआ, 2 × 2 − 5 यानी कि क्या हो जाएगा 4 − 5 = −1। दूसरा पॉइंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट 3 0, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 × x की जगह आ गया 3 − 5 यानी कि 6 − 5 = क्या आ गया 1। और दोनों स्लोप्स के जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो एक स्लोप तो ये आया था बच्चों −1 और दूसरा स्लोप बच्चों ये आ गया, ये स्लोप, इस स्लोप की वैल्यू क्या है 1, क्या है बच्चों 1। तो दोनों की गुणा क्या आ गई −1 और दोनों की गुणा −1 आ गई तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर टेंजेंट्स एट पॉइंट्स 2 0 and 3 0 आर एट राइट एंगल, किस पर है बच्चों, राइट एंगल पर है, किस पर है, राइट एंगल पर, ये चीज प्रूव हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं आपको डील करने होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला कर लेते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या है, देखिए क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूं, आप क्वेश्चन 6 तक प्रैक्टिस कीजिएगा। एट पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, कौन सा कर्व बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर −2x −4y + 1 = 0, ये कर्व कहता है एट व्हाट पॉइंट्स, किस पॉइंट, पॉइंट्स के ऊपर ये जो कर्व है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बच्चों टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी। तो बच्चों हम इसको यहां से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बच्चों एक्स स्क्वेयर का हुआ 2x प्लस वाई स्क्वेयर का हुआ 2y −2x का हुआ 2 स्क्वेयर का 2 आ गया 2y और y का होगा dy बाई डीएक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, −2x का होगा 2 −4y का −4 dy/dx = 0। तो जो dy बाई डीएक्स जो है हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा 2y −4 और बाकी चीज जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 प्लस का हो जाएगा और ये 2x माइनस का होगा, यानी कि आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, 2 − 2x / 2y − 4। इसने कहा है पैरेलल टू x एक्सिस, जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है और पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका मतलब जो dy बाई dx है वो 0 के इक्वल जाएगा, किसके इक्वल जाएगा, 0 के, यानी कि 2 − 2x / 2y − 4 = 0। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो यानी कि 2 − 2x = 0, 2x = 2, 2 से बच्चों 2 की वैल्यू कट गई, x = 1 और x की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, किसकी आ जाएगी बच्चों, y की। तो इस प्रकार जो है आप अपने एक्सरसाइज के पहले जो 6 क्वेश्चंस हैं उन 6 के 6 क्वेश्चंस को बच्चों आप ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे।